सो हे गाइस, व्हाट्स अप, बैक विद अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो गाइस। तो अभी देख सकते हो सबसे इम्पोर्टेंट रोड के पास हूँ मैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट इंटरस्टेट रोड है जो कि आसनसोल में है। आसनसोल में एंट्री लेना है या आप दूसरे स्टेट में एंट्री लेना है या आसनसोल से एग्जिट लेना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट रोड है। और उसी रोड के बगल में यानी पचगछिया में आज हम लोग हैं और यहाँ पे बना हुआ है आनंदम रेसिडेंसी। आनंदम रेसिडेंसी में क्या क्या फैसिलिटीज है, क्या प्लॉट अभी बाकी है, कितना उसका रेट चल रहा है, हर एक चीज करंट अपडेटेड वीडियो सबसे ज्यादा 2024 का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे एंट्री लोगे आनंदम रेसिडेंसी में, जैसे ही आप गेट से अंदर आओगे तो आप एक चीज गौर की होगे कि जितने भी यहाँ पे रस्ते हैं, जितने भी रोड हैं, रोड का नंबर ना लिखकर यहाँ पे रोड को नाम दिया गया है जो कि भारत के नदियों के नाम पर रखा गया है, मतलब भारतीय नदियों का नाम दिया गया है। इससे हमारे जो भारतीय संस्कृति है उसको कितना अच्छा से अपना रहा है आनंदम रेसिडेंसी, वो आप देख सकते हो। और साथ ही साथ जो अपना हिंदू कल्चर है, ठीक है, अपना जो संस्कृति है उसको यहाँ पे बचा के रखा गया है। तो आपके जो बच्चे होंगे अगर यहाँ पे पलेंगे बढ़ेंगे तो उससे उनका जो एक अपना हिंदुत्व है, जो उनका अपना कल्चर है, उसको वो बेहतर समझ पाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो पीछे हमारी गौ माता है और गौ माता मतलब कितनी इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। हर हर महादेव, महादेव के दर्शन कर लो आप। हम लोग हैं अभी आनंदम रेसिडेंसी के मंदिर में, अभी हम लोग हैं महादेव के मंदिर में। और यहाँ पे जो आनंदम रेसिडेंसी का कैंपस है उसके अंदर मंदिर भी है और साथ ही साथ आप यहाँ देखो दुर्गा पूजा का पंडाल बनता है। अब दुर्गा पूजा का मतलब माहौल आने वाला है, दुर्गा पूजा का फेस्टिवल आने वाला है, उसमें दुर्गा पूजा का पंडाल भी, क्या ही बात है। और दुर्गा पूजा आ रहा है तो दुर्गा माँ का भी दर्शन करवा देते हैं, क्यों? तो ये देखिए हमारी दुर्गा माँ। महान शंकराचार्य, पुरी के महाविद्वान शंकराचार्य जी आए थे यहाँ पे, तो उनका उनके लिए ये कुटिया बनाया गया था, ये देख सकते हो आप। और भी यहाँ पे कई सारे इवेंट्स होते रहते हैं, शंकराचार्य जी आते रहते हैं और आपको जो नॉलेज वो देंगे और कोई नहीं दे पाएगा। आनंदम रेसिडेंसी की एक खास बात बताऊं आपको, अगर आप यहाँ पे घर बनाते हो, आप यहाँ पे रह रहे हो और आपका मान लीजिए बीच रात में आपका कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया या आपका पानी चूड़ा नल से या कुछ भी हो रहा है भाई, तो आप प्लम्बर हो चाहे इलेक्ट्रिशियन हो, 10 मिनट में चाहे 24x7 कहीं भी आप रहो आनंदम रेसिडेंसी के अंदर, आपको 10 मिनट में वो आ जाएंगे और आपको ठीक करके रिपेयर करके दे देंगे, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा फीचर है, बाहर से आपको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, ये अंदर जितने भी सोसाइटी में लोग रहेंगे उनके लिए मतलब जो फैसिलिटी है प्रोवाइड किया गया आनंदम रेसिडेंसी की तरफ से। हर 100 से 200 मीटर के अंदर आपको एक ऐसा एरिया मिल जाएगा जहाँ पर आप आराम से बैठकर आराम फरमा सकते हो, ठीक है, मतलब एक तरह का काउच मिल जाएगा आपको, चेयर टेबल सब कुछ मिल जाएगा, आप अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ बैठ सकते हो, गेम खेलो, पढ़ाई करो, जो चाहे आप। भाई आनंदम रेसिडेंसी कितना हरा भरा सोसाइटी है, आप ये देखो, मतलब नेचर रग रग में बह रहा है यहाँ पे, हर तरफ पेड़ पौधे, सुकून, शांति, ठंडी हवा, सब कुछ है यहाँ पे। जगह जगह आपको गार्डन मिल जाएंगे, जगह जगह आपको शेड मिल जाएगा, सब कुछ है यहाँ पे। अब जो मेरी माएँ बहनें जो वट सावित्री का पूजा करती हैं उनके लिए है ये बरगद का गाछ, ठीक है।
अब जो वट सावित्री का पूजा करती है वो यहाँ पे पूजा कर सकती है अपना, ठीक है। और साथ ही साथ बगल में आपको शेड दिया हुआ है, जहाँ पे सोफा है, काउच है, टेबल है, तो आप यहाँ पे हल्का फुल्का किटी पार्टी या थोड़ा सा गपशप या चुगलियाँ, जो फेमस चुगलियाँ होती हैं आपकी, वो सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हो। मतलब भाई ये बेस्ट प्लेस है, और ये थोड़ा ना सोशलाइजेशन के लिए बेस्ट प्लेस है आनंदम रेसिडेंसी। मतलब आप यहाँ पे हंसी मजाक, दोस्ती, सब कुछ अच्छे से कर भी पाओगे, निभा भी पाओगे। ये है कल्लू कालिया। कल्लू कालिया फुल सेफ्टी मोड में है, ठीक है, तो आपको फुल सेफ्टी देगा ये बंदा अपना। तो गाइस अगर आप मान लो आप आते हो, आप इंटरेस्टेड हो जाते हो और आप प्लॉट लेते हो, तो जैसे ये प्लॉट है अपना 16RW10, ठीक है। अब इसके साथ साथ आपको क्या फैसिलिटीज मिल जाता है प्लॉट में एज इट सेल्फ, ठीक है। तो सबसे पहले सब कुछ कैलकुलेटेड है, प्लॉट कैसे है एकदम स्ट्रेट मिलेगा आपको, डायरेक्शन वाइज जैसे आप चाहो वैसे आप अपना घर बना सकते हो। बाकी हम लोग जब मिलेंगे आखिर में अपने एक रिप्रेजेंटेटिव से, तब आपको हम और भी चीज़ डिटेल में बताएंगे। ड्रेनेज आप देख लो, ड्रेनेज एकदम आपको एज इट इज़ मिल जाएगा, अच्छा खासा ड्रेनेज है, पानी में कुछ तरह का क्लॉटिंग नहीं होता है। ये देखो पानी, तो ये अपना पानी का नल, पानी का कनेक्शन मिल जाता है। साथ ही साथ आप देख लो वायरिंग वगैरह, ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक कनेक्शन के लिए आप ये देख सकते हो, टावर वगैरह ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो आपका स्ट्रीट लैम्प मिल जाता है, सब कुछ, ठीक है। बाकी आप रोड चेक कर लो, रोड मतलब अगर मैं दो कार चाहूँ ना, तो एक कार इधर से भी आ जाए, एक कार इधर से भी पार हो जाएगी, कोई तरह की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आप देखो गाड़ी सीधे सीधी लगा था, फिर कार पार कर गया, गाड़ी हमारा सीधा लगा हुआ था और कार भी पार कर गया और टच तक नहीं हुआ है कुछ, और अगला भी स्पीड में था। क्यों भाई, स्पेस है कि नहीं? वो है मिनी थिएटर। जी हाँ, अगर आप वर्ल्ड कप देखते हो, ठीक है, मान लो वर्ल्ड कप आने वाला है, या आप मान लो कुछ फेस्टिवल आने वाला है, ओलंपिक्स आने वाला है, कुछ भी जो मतलब नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, यहाँ पे बनाया जा रहा है एक मिनी थिएटर, जहाँ पे लोग आराम से बैठकर अपने टीम को सपोर्ट कर पाओगे, आईपीएल देख पाओगे। सोचो कितना ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है, सारे दोस्तों के साथ, अपने सोसाइटी के वालों के साथ बैठकर एक जगह पे किसी टीम को सपोर्ट कर लो, या आपस में थोड़ी तड़क भड़क हो जाए कि हाँ भाई इसको सपोर्ट करेगा, नहीं धोनी जीतेगा, नहीं विराट जीतेगा, उसका अलग मजा है। तो एक थिएटर बनने वाला है, साथ ही साथ यहाँ कई सारे घर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो प्लॉट जल्दी जल्दी खत्म हो रहे हैं। तो आप लोगों को भी, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, तो इस पूजा में अगर आप छुट्टी में आ रहे हो, तो मस्ट टू मस्ट एक बार विजिट कर लेना और एक बार चेक कर लेना। अगर आपको पसंद आए तो लेने का मन करे तो बात कर लेना। तो गाइस आनंदम रेसिडेंसी में बन रहा है यहाँ का खुद का मार्केट। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो आनंदम रेसिडेंसी, अनोखी जनरल, जनरल स्टोर जिसको बोलते हैं, उसके बाद आपका फ्रूट का, मेवा का, आपका स्वीट का शॉप, सलून, वेजिटेबल का घर, पार्लर, ग्रोसरी स्टोर, मेडिकल स्टोर, वैरायटी स्टोर, स्वीट्स एंड स्नैक्स, मतलब कोई भी सामान लेने के लिए आपको आनंदम रेसिडेंसी के बाहर जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ अंदर ही अवेलेबल हो जाएगा। आनंदम रेसिडेंसी के अंदर जगह जगह आपको चिल्ड्रेन पार्क मिल जाएगा, मतलब आपके बच्चे हैं तो उनको खेलने के लिए कहीं और नहीं जाना होगा, कहीं रोड में नहीं भटकना होगा। हर जगह 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 पर पार्क है, स्लीपर है, हर चीज़ है, जहाँ पे वो आकर आराम से खेल सकते हैं। और घास देखो, मोटी घास है तो उनको चोट भी नहीं लगेगी। ये देखो गाइस विक्टोरिया मेमोरियल, और विक्टोरिया मेमोरियल उसके बगल में एक गार्डन है, उसके जस्ट बगल में यहाँ पे एक और गार्डन है, ठीक है। तो गार्डन तो यहाँ पे भाई मतलब सिटी ऑफ गार्डन हो गया ये, ठीक है। ये देखिए वाटर एटीएम भी अवेलेबल है, ठीक है, आप लोग मतलब जगह जगह प्यूरिफाइड वाटर भी यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो या पानी पी सकते हो टहलते टाइम। उसके बाद ये हमारा आनंदम का एयरलाइन। अगर मेरा चैनल आप पहले से देख रहे हो तो मुझे नहीं लगता आपको नाम बताने की जरूरत है, तो आपके सामने आज ही रहे नवीन भैया हमारे। तो हेलो नवीन भैया, कैसे है? बढ़िया सब कुछ। तो नवीन भैया देखिए आनंदम रेसिडेंसी तो बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है, इतना घर बन रहा है, आप आखिर बेचोगे क्या? कुछ है बेचने को अभी? देखते देखते देखो एक साल में क्या से क्या हो गया, क्या से क्या हो गया, पहले मैदान था, अब तो खाली बिल्डिंग दिख रहा है, ओपन हो गया। हाँ, ये वाला ना, हाँ ये नजदीक से ये नियरेस्ट पे पड़ेगा। लोगों का बहुत सारा डिमांड था कि गेट के पास में प्लॉट होता तो हम आसानी होता, आसान होता, ठीक है ना। तो ये वॉकिंग डिस्टेंस, गेट के वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारा आ रहा है, ठीक है, प्लॉट आ चुका है, ठीक है। और वॉकिंग डिस्टेंस पे ही सारा कुछ है, मतलब अभी जैसे बहुत सारी चीज नया नया चीज ऐड हुआ है,
जैसे मिनी थिएटर हम लोग ला रहे हैं। हाँ मिनी थिएटर मतलब मजा आएगा अगर वर्ल्ड कप लग जाए, आईपीएल लग जाए तो। मतलब यंगस्टर के लिए हम लोग मतलब कुछ उसके लिए भी प्लान कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया हम लोगों के लिए क्या है, ठीक है, तो सभी के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं। कितना इंच के स्क्रीन लगेगा? 100 इंच भाई कम नहीं होता, मजा आ चुका है 100 इंच का, आ चुका है। हाँ आ चुका है, बस हम लोग इंतजार कर रहे हैं। इसमें आप वर्ल्ड कप देखो या कुछ भी देखो, ये उसको एंजॉय कर पाओगे। या इंडोर गेम भी है, ठीक है, इंडोर गेम भी उस पे आ रहा है। तो और कितना फैसिलिटी और बढ़ा है, मतलब क्या क्या फैसिलिटी अभी करंट चल रहा है? अभी एक चीज और ऐड हुआ है जो पहले कभी नहीं था, 24x7 तो पानी हम लोग दे ही रहे थे। हाँ। लेकिन हम लोग जगह जगह पे अभी हम लोग मशीन लगा रहे हैं, मतलब जो वाटर एटीएम ठीक है। ओ भाई हमने आपको दिखाया था वाटर एटीएम, ठीक है ना। तो वाटर एटीएम का ये है कि जैसे लोग एक्वा गार्ड यूज करते हैं, ठीक है ना। अभी जैसे इस वेदर पे पानी खराब आएगा, खराब आता है, अच्छा नहीं आता है, तो उस एटीएम के थ्रू, उस मशीन के थ्रू पानी फिल्टर होकर आपके घर पे जाएगा। पानी फिल्टर होके जाएगा जी, मतलब उसको हम डायरेक्ट पी सकते हैं? डायरेक्ट पी सकते हैं, मतलब हार्ड वाटर वो रहेगा ही नहीं, हार्ड वाटर रहेगा ही नहीं, ठीक है ना। सबसे बड़ी चीज है कि लोग, बहुत सारे लोग हैं जो सिटी पे पानी खरीद के पीते हैं। हाँ, हाँ, कुछ लोग घर में एक्वा गार्ड है, लेकिन सभी लोग एक्वा गार्ड अफोर्ड नहीं कर पाते, किसी किसी का दिक्कत भी होती है, ठीक है ना। पानी के बाद तो एक्वा गार्ड इतना कचरा निकालता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो सारी चीजें मतलब आपको करने की जरूरत नहीं, ना घर पे एक्वा गार्ड लगाने की जरूरत है, ना आपको पानी खरीद के पीने की जरूरत है। सही में बिल्कुल, वाटर एटीएम और ऐसे भी पानी पीने के लिए मतलब बेस्ट है। बिल्कुल, अभी एक नया चीज है, अभी हम लोग और एड ऑन हुआ है, बाकी तो क्लब हाउस तो पता ही था। हाँ। ठीक है, अभी 4.8 CR का क्लब हाउस आ रहा है हम लोग का, आनंद 4.8 CR का क्रोर। हाँ CR, ठीक है, मतलब 5 crore में आप क्या बनाने वाले हो, ठीक है ना। एक बहुत बड़ा हम लोग का एक क्लब हाउस आ रहा है, उसमें भी बच्चों लोग के लिए इंडोर गेम होगा, स्विमिंग पूल होगा, मतलब कुछ भी, जैसे ये इतना बड़ा सोसाइटी हो गया कि मतलब उसमें मुझे लगता है जिम भी होगा, उसमें लाइब्रेरी भी होगा, सारा कुछ उस पे आ जाएगा, ठीक है। और उस पे हम लोग एक चीज और ऐड कर रहे हैं, जैसे कि जैसे मतलब इतना पॉपुलेशन हो रहा है, इतने सारे घर बन रहे हैं, तो लोगों का भी डिमांड था कि एक दो क्लब हाउस से तो काम हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बड़ा क्लब हाउस आ रहा है, एंजॉय करेंगे शादी ब्याह प्रोग्राम। सही बात है, मतलब वो बुक कर सकते हैं सारा चीज। और भैया अभी क्या पॉपुलेशन है आनंदम रेसिडेंसी? अभी तो हम लोग का लमसम 300+ घर बन चुके हैं। 300+ घर बन चुका है, पॉपुलेशन हाँ। कितना होगा टोटल? पॉपुलेशन पकड़ के चलिए, एक घर पे पकड़ के चलिए 4 आदमी रहते हैं, एवरेज पकड़ के चलो, 4 तो रहते ही है, जिसमें 10 रहेंगे उसमें तो हाँ। नहीं, एवरेज में बता रहा हूँ, 4 के तो 1000-1200 तो लोग ऑलरेडी सोसाइटी में रह रहे हैं, ठीक है। इसके कर लोगों का ये चीज होता है ना कि मैं पहले रहूंगा कि कौन रहेगा, ठीक है ना। ठीक है, लेकिन यहाँ लोग रह रहे हैं, ठीक है ना, सारा चीज हम लोग स्टार्ट। टोटल यहाँ 2500 घर बनाने का हमारा प्लान है। 2500 घर, 10,000 पॉपुलेशन होगा, बहुत ज्यादा होगा। 10% तो आ ही चुका है, 10% आ ही चुका है। इन्वेस्टमेंट के लिए सोचते हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए आनंदम बेस्ट है। बाकी आप PL वगैरह सब तो करवा ही देते हो? हाँ वो तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भैया एक और चीज मुझे पूछना था, अभी यहाँ बगल में हमारे बजरंग जी बैठे हैं, ठीक है, और मतलब ये किसका आइडिया था कि हम लोग ना अपना कल्चर को डिपिक्ट करेंगे पूरे सोसाइटी में? जो हमारे कंपनी के जो मतलब MD CMD बैठे हुए हैं, जो हमारे कंपनी के सुप्रियो है, ठीक है, उनका प्लान था, ठीक है ना, कि बहुत वो सोचे कि ऐसा कॉन्सेप्ट करते हैं कि हम एक परिवार बनाते हैं, एक परिवार बनाते हैं, सही बात, ठीक है, इसको परिवार बोलते हैं, ठीक है ना, कि आप और मैं जैसे एक जगह पर बैठे हुए हैं, हाँ, तो एक परिवार हो गया, एक परिवार, ठीक है ना। अब परिवार में क्या होता है कि एक झगड़ा भी होता है तो सोल्यूशन हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि मत मिलते हैं, ठीक है ना, और सबका मत मिलाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है ना, लेकिन एक कम्युनिटी होने से मत मिल जाता है। और दूसरा बात, दुर्गा पूजा हो तो अभी दुर्गा, मतलब आप गोकुल धाम सोसाइटी बता रहे हो, हाँ, इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना, गोकुल धाम सोसाइटी, ठीक है, दुर्गा पूजा हो रहा तो यहाँ जितने लोग सबको एंजॉय कर पाएंगे, किसी को बुरा नहीं लगेगा। तो शंकराचार्य भी आके गए थे, हाँ, अभी पूरी मठ के जो हमारे शंकराचार्य है जो, ठीक है, उनका भी कुटिया है, कुटिया हमने दिखाया, हाँ, मधुबन के नाम पे रखा गया, ठीक है ना, अब वो जब भी आएंगे तो इस कुटिया पे रहेंगे, मतलब वो उनके लिए एक परमानेंट घर है आनंदम की तरफ से, ठीक है, हाँ, उनके लिए परमानेंट घर है। और भी हमारे कुछ गुरु है जो आते हैं, उनके लिए भी आनंदम है, तो जहाँ कितने लोग आते हैं समझ रहे वो जगह हमारा कैसा, कितना विद्वान आदमी आ रहे हैं और आपको जो ज्ञान बैठ कर दे देंगे वो मुझे नहीं लगता फिर वो कहीं मिलेगा, जाने की जरूरत पड़ेगी। ये पूरा अभी खाली है ना, मतलब ये सारा अभी अब सेल होगा? नहीं, इसमें आप जितना देख रहे हो, आपको लग रहा होगा वैकेंट, 35-40% हम सेल आउट कर चुके हैं इस पे भी।
हो चुका है, हो चुका है ठीक है ना। आप देखोगे इसमें नाम लिखा हुआ है काफी सारा, ठीक है ना। और क्या है प्राइस, प्राइस पे बात करते हैं। अभी हमारा जो स्टार्टिंग रेट हो रहा है वो हो रहा है 975 पर स्क्वायर फीट, मतलब 975 रुपए स्क्वायर फीट में अभी मिलेगा हाँ प्लॉट। हाँ। ठीक है, आप जितना प्लॉट लेना है मिनिमम जो होता है प्रोपोर्शन के हिसाब से, ठीक है, आप 1.5 कट्ठा मतलब 1080 स्क्वायर फीट से शुरू कर सकते हैं और ले सकते हैं, ले सकते हैं। फिर आप 1200 लो, 1500 लो, 2000 लो, लोगों का जितना डिमांड मतलब होता है। और यहाँ का डायमेंशन क्या क्या है, मतलब जैसे 35-40 या 20-40? नहीं नहीं, ऐसे तो हमारा है 30x50 का भी प्लॉट है, ठीक है, और 30x50 का प्लॉट है 1500 स्क्वायर फीट, 30x55 का प्लॉट है 1650 स्क्वायर फीट, 30x60 का प्लॉट है 1800 स्क्वायर फीट। बाकी जैसे कि लोगों का हमारे जो क्लाइंट है उनका जैसा रिक्वायरमेंट होता है तो मैं उस हिसाब से भी प्लॉट उनको प्रोवाइड कर दूंगा। तो स्पेसिफिकली मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी आप देख रहे हो आसनसोल का हाल, क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पे सिक्योरिटी का कैसे ख्याल रखा जाएगा? 24x सिक्योरिटी अवेलेबल है, ठीक है, और आप सुबह शाम हर समय में लोग यहाँ पर, आप नाइट में भी हमारे गार्ड अवेलेबल होते हैं, ठीक है, जगह जगह पर CCTV कैमरा लगाए हुए हैं, ट्रैकिंग सिस्टम रखे हुए हैं, हम लोग ट्रैकिंग करते, कोई भी क्लाइंट अगर आते हैं या कोई भी अननोन पर्सन आते हैं बोलते हैं मुझे XYZ की जगह पे जाना है, ठीक है, मान लीजिए रोड नंबर 5 पे जाना है तो 5 नंबर पे रोड का जो नाम है उस कौन के नाम पे है, तो किस प्लॉट पे जाना है, किनसे मिलना है, ठीक है ना, तो 5 नंबर बोले तो उनका नंबर लेके हम लोग गेट पे ही वो ट्रैकिंग में चालू हो जाता है। अब वो 5 नंबर में जा रहे हैं या 8 नंबर पे जा रहे हैं, ट्रैक हो जाता है। अगर मान लीजिए वो 5 पे नहीं जाके 8 पे जाता है, 9 पे जाता है, तो वहाँ से वॉकी टॉकी हो जाता है कि ये आदमी इस जगह पे जा रहा है, उनसे पूछिए जाना कहाँ है। हाँ, मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाँ। मतलब कोई अनजान आदमी यहाँ आएगा तो पकड़ा जाएगा, बिल्कुल, तो उसी कॉन्सेप्ट पे लेके हम लोग काम करते हैं, उसी कॉन्सेप्ट पे ही हमारा काम चल रहा है। मतलब अगर आप लोग इस दुर्गा पूजा आ रहे हो या पूजा में दिवाली में कभी भी आ रहे हो, ठीक है, छुट्टी मनाओगे ही, तो एक बार आके यहाँ चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि अगर आप लोग बाहर रहते हो तो अपने माँ बाप को अच्छा जगह दोगे, बिल्कुल, कि जहाँ पे आप नहीं तो कोई और आपका ख्याल रखेगा, आपके माता पिता का, बिल्कुल, ये हम लोग एक फैमिली बना रहे हैं, इसको फैमिली ही बनाना, मतलब उस कॉन्सेप्ट पे ही हम लोग काम कर रहे हैं। आसनसोल सिटी का माहौल थोड़ा सा अटपटा हो गया, लोग थोड़ा सा टेंस में रहते हैं, कि ठीक है ना, कि लोग घर से निकलना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ ये बात तो है, यहाँ बेफिक्र है कि आप इसको, यहाँ पे ग्रीनरी है, शांति है, हवा है, आफ्टर रिटायरमेंट लोगों के लिए हम लोग गार्डन दे रहे हैं। देखिए ये जैसे एक ये गार्डन है, टोटल 27 गार्डन है पूरा। आपको जैसे मैंने बताया कि हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जो जो चीज़ की जरूरत है, मेरे आपके जस्ट पीछे मतलब बेल गार्डन है, तो बेल गार्डन पे नाम, बेल गार्डन है, हाँ ठीक है ना, उसके बाद आम गार्डन है, केला गार्डन है, ठीक है, अब फल हम लोग को मिलेगा तो बिल्कुल मिलेगा, ठीक है ना। तो ये क्या जो हमारे रिचुअल होते हैं उसके हिसाब से जो जो चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, मानना पड़ेगा आनंदम रेसिडेंसी कुछ अलग कर दिया है पूरे रीजन में। तो आप एक बार भैया अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर है 9851-628479 और एक नंबर है 9564295501। मेरा नाम है नवीन कुमार श्रीवास्तव, मैं कंपनी का जनरल मैनेजर हूँ। और अगर भैया आपको कोई कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो व्हाट्सएप पे करेगा कि कॉल करेगा, और टाइमिंग्स क्या रहेगी? कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, आप सुबह 8 से लेकर रात के 10 बजे तक कभी भी मुझे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल व्हाट्सएप कुछ भी आप कर सकते हो आराम से, और भैया से डायरेक्ट मिलने आ जाओ, क्या दिक्कत है। आप हफ्ते के 7 दिन यहीं रहते हो? हाँ बिल्कुल, मैं अवेलेबल रहता हूँ, ठीक है ना। अगर किन्हीं को पिक एंड ड्रॉप की सुविधा चाहिए होगी, हमारे आसनसोल से कोई लोग आ रहे, फैमिली आना चाहते, जैसे 4-5 लोग आना चाह रहे, लोग परेशान होते कैसे जाए, तो पिक एंड ड्रॉप की सुविधा हम लोग प्रोवाइड करवा देते हैं, तो आपको कोई लेके आ जाएगा और वो गाड़ी से ही आपको पूरा घुमा भी देगा। हाँ, घुमाने के बाद आपको लेना ना लेना वो तो अलग चीज होता है। आप समझिए ना कि पार्क में घूमने जा रहा हूँ। हाँ हाँ, बस पार्क के बहाने आप आइए, ठीक है ना, मूड आप घर में बना लेना। हाँ, बस वो फिर तो आपको, आप आओगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि क्या है ये, हम लोग क्या, फिर छोड़ भी देंगे आप, बिल्कुल, ड्रॉप, पिक एंड ड्रॉप की सुविधा अवेलेबल होती है। तो और क्या चाहिए, तो जल्दी से आ जाइए आनंदम रेसिडेंसी, नवीन भैया से आकर मिलिए। और मुझे नहीं लगता नवीन भैया से मिलने के बाद अगर आपको प्लॉट पसंद आए, आपको नवीन भैया पसंद आ जाएंगे। तो अगर प्लॉट पसंद आए तो ले लेना। तो मिलते हैं एक नए दिन नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, एक नए आनंदम रेसिडेंसी के कुछ नए फीचर्स के साथ। तो गाइस ये देख सकते हो हमारा आनंदम रेसिडेंसी, और ये हमारा एक न्यू रोड जो बन रहा है, ये आप देख सकते हो बड़ा टावर टाइप खड़ा हो रहा है। न्यू रोड से हम लोग अभी बाहर निकल रहे हैं, न्यू रोड बहुत ही ज्यादा करीब पर जाता है आपको, ठीक है, हाईवे से भी करीब हो जाता है, तो आप लोग, न्यू रोड का कंस्ट्रक्शन बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा,
इस साल के अंत तक में यानी 2024 के अंत तक में खत्म हो जाएगा। तब के लिए बाय गाइस।